Hi friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज की रेसिपी है खोपरा पाक. वेरी डिलीशियस, वेरी हेल्दी. आप इसे स्टोर करके रख लें. आप अपने लंच डिनर के बाद इसे खा सकते हैं. 3 से 4 दिन तक के आप इसे स्टोर करके खा सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है. आप स्वीट शॉप से लेने के बजाय इसे घर में ही बना के आराम से इंजॉय कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रेसिपी. यहाँ मैंने 1 स्पून बटर ले लिया है. यहाँ मैंने गीला खोपरा जो होता है उसे ग्रेट कर लिया है, या तो फिर आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें. जो हमें ब्राउन कलर का उसका जो स्किन होता है वो निकाल के उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है या ग्रेट कर लेना है. डिपेंड्स, आपको जो भी मेथड पसंद आए आप वो कर लें. मैंने यहाँ पे बटर में खोपरा डाल लिया है. आप नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ कर लें ताकि जो ये खोपरा हमारा है वो नीचे से जले नहीं, चिपके नहीं. हमें इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है, बहुत ही अच्छे से भूनना है ताकि जो हमारी खोपरा पाक मिठाई है वो बहुत ही अच्छे से भुनी भी और बहुत ही खूबसूरत कलर की बने. इसमें बस यही मेहनत है कि हमें इसे अच्छे से भूनना है. बाकी ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है. ये देखिए, हमें इसे कंटिन्यूस भूनते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में. बस इतना ही ख्याल रखना है कि ये नीचे से जले नहीं, चिपके नहीं. अब मैं यहाँ पे आधा कप शक्कर डाल लूँगी. मैंने यहाँ पे आधा वाटी खोपरा लिया है, उस हिसाब से मैंने आधा कप शक्कर डाली है. आप क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें. इसमें हम शक्कर ऐड करके इसे अच्छे से भूनेंगे. अब मैं यहाँ आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर लूँगी. अच्छे से मिक्स कर लें, इसे भूनते रहें. मैं यहाँ पे आधा कप मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ. अच्छे से मिक्स कर लें. देखिए खोपरे का जो कलर है वो कितना अच्छे से ब्राउन हो रहा है. बस ये मिठाई को हमें अच्छे से भूनते हुए ही बनाना है. अब मैं इसमें 1/4 कप दूध ऐड कर लूँगी. मिक्स कर लें अच्छे से. पचास ग्राम मावा, जिसे हम खोआ या खोया भी कहते हैं, वो आप इसमें ऐड कर लें. मावा जो है वो आप होममेड भी ऐड कर सकते हैं या जो हमारे मिल्क शॉप में मिलता है वो आप ऐड कर लें. ये देखिए सारे जो हमने ऐड किए वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं. जो कलर है वो कितनी अच्छे से निखर के आया है. ये कितनी ब्राउन हो रही है, बहुत ही अच्छे से भून रही है. हमें बस इसे अच्छे से भूनते हुए बनाना है. बहुत ही अच्छी खुशबू उठी है. अच्छे से भूनते रहें आप इसे. सारी चीज़ डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यूस भूनना है. एटलीस्ट 5 से 7 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है. आप नॉन स्टिक यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. उसमें जो मिठाई है वो चिपकने या जलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. ये देखिए कितने अच्छे से भून रही है। जो खोपरे का पानी है और जो शक्कर मेल्ट हुई है वो सब अच्छे से सूख जाना चाहिए। अब मैंने कंटेनर में हमें ये जो हमारा है मिठाई वो हमें निकाल के अच्छे से इसे सेट कर लेना है। ऊपर से आप पिस्ता बारीक बारीक काट के या बादाम जो भी आपको पसंद है नट्स आप वो डाल लें, स्प्रिंकल कर लें ऑल ओवर पे और आप इसे अच्छे से सेट होने दें। एटलीस्ट फॉर एन आवर आपको इसे सेट करना है। ये देखिए हमारी मिठाई बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। पीस का साइज शेप आप अपने हिसाब से कर लें। ये देखिए मैंने यहाँ पे कट लगा दिया है। अब सारे पीसेस आप निकाल लें और आप इसे इंजॉय करें। मैं आपको यहाँ टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसी बनी है। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। वेरी डिलीशियस। आई मस्ट से आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बस ये एक बाइट लेके मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इसे फटाफट पूरा खा लूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो आप इसे लाइक करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके याद से बताएं ये कैसी बनी है। और माय नेक्स्ट रेसिपी बेल आइकन याद से दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।